सीआईसी क्या है? सीआईसी वह प्रक्रिया है जिसमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर के मरीजों में नली डालकर पेशाब की थैली को खाली किया जाता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी शारीरिक कारण से बच्चे पेशाब की थैली पूर्ण रूप से खाली नहीं कर पाते। इसके कारणवश उनमें इन्फेक्शन और गुर्दे पर बैक प्रेशर की वजह से गुर्दे खराब होने की संभावना रहती है। सीआईसी का उद्देश्य क्या है? सीआईसी का उद्देश्य है कि हम पेशाब की थैली को खाली कर सकें, जिससे गुर्दे में इन्फेक्शन और बैक प्रेशर की वजह से गुर्दे खराब ना हो सकें। सीआईसी की जरूरत किसे है? न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बच्चे, जैसे कि ये अवस्थाएं मेनिंगोमाइलोसिन, कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम, टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, रीढ़ की हड्डी को चोट आना आदि, या उन बच्चों में जिनके अल्ट्रासाउंड पर पेशाब की थैली पूरी पेशाब करने के बाद भी खाली नहीं होती, या ऑपरेशन के बाद जिनको पेशाब की रुकावट होती है, या पेशाब का दूसरा रास्ता ऑपरेशन के द्वारा बनाने के बाद, या फिर जिन बच्चों में पेशाब की थैली को बढ़ाने के ऑपरेशन किया जाता है। सीआईसी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री: टेंशन गुब्बारे वाला फ्लेक्सिबल कैथेटर, लिग्नोकेन जेली, साबुन और पोंछने के लिए साफ कपड़ा, बड़े भगोने में बीटाडीन या सिरका, खाली पारदर्शी लिफाफा, यह दो होने चाहिए, एक जिस पर साफ लिखा हो और एक जिस पर खराब या गंदा लिखा हो, शीशा, खाली शीशी। ऐसा स्वाभाविक है कि सीआईसी को लेकर आपके मन में कुछ शंका हो या घबराहट हो, लेकिन आप ये सोचिए कि बच्चे की ऐसी शारीरिक अवस्था है जिसके लिए सीआईसी की उसे ज़रूरत है। अगर हम सीआईसी ठीक से करेंगे तो इससे इसको पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होगा और बैक प्रेशर से किडनी को नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप ठीक से करेंगे, सीखे हुए तरीके से करेंगे, तो इससे आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा बहुत लंबे समय में फ़ायदा ही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सीआईसी आप कर सकते हैं, और जैसे आप कर रहे हैं आप इस पे हमको करके दिखाइए, जिससे कि हम दूसरे मरीजों को ये सिखा सकें। ज़रूरी है कि हम सीआईसी से पहले 2 मिनट तक अच्छे से हाथ धोएं। लगभग 3 ml साबुन अपने हाथ पर लेकर हाथों की दोनों तरफ को अच्छे से साबुन लगाएं। हाथ के पिछली तरफ भी अच्छे से साबुन से साफ करें। अपने अंगूठों को और उंगलियों के बीच के जगह को भी साबुन ठीक से आए और फिर कोहनी तक साबुन से धोएं। आइए एक बार इस डमी पर सीआईसी की प्रक्रिया देखें। बच्चे के पेशाब की जगह को पहले अच्छे से बीटाडीन या साबुन से साफ कर लें। फिर कैथेटर की टिप पर लिग्नोकेन जेली लगाकर यूरेथ्रा की ओपनिंग को पहचानें और उसे अंदर डालें। ज्यादा दबाव ना करें और जब तक पेशाब की बूंदे कैथेटर से ना आने लगे, आप कैथेटर को धीरे धीरे अंदर डालते रहें। पेशाब आने पर उसे बोतल में इकट्ठा करें और पूरा पेशाब न होने तक कैथेटर को अंदर ही रहने दें। अभी आप देख सकते हैं ये मम्मी अपने बच्चे पर किस प्रकार सीआईसी कर रही हैं। इनको देखकर आप भी खुद ही काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे
कि ये इतना मुश्किल नहीं है और आराम से आप इसे घर में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये बच्चा जिसको मिट्रोफेनॉफ कॉन्डुइट बना हुआ है, यानी कि पेट की नाभि से पेशाब निकालने का रास्ता बना हुआ है, वह कैसे अपना सीआईसी कर रहा है। अगर आप कैथेटर रीयूज करने वाले हैं तो उसे इस्तेमाल के बाद चलते पानी से अंदर और बाहर से अच्छे से धो लें और जो लिफाफा एयरटाइट हो उसमें उसे डालकर रख लें जिस पर गंदा या डर्टी लिखा हो। दिन में जितने भी कैथेटर यूज करते हैं उन्हें सबको इस प्रकार इसी लिफाफे में डालकर रखें और एक बार रात को आप चाहे तो इन्हें बीटाडीन में आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दें या फिर 10 मिनट तक उबलते पानी में और उबालें और उसके बाद इन सभी कैथेटर्स को एक साफ लिफाफे में जिस पर साफ अच्छे से लिखा हो उसमें एयरटाइट तरीके से डाल के रख लें जिससे आपको अगले दिन सुबह परेशानी ना हो। सीआईसी की जटिलताएं: पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, यूरेथ्रा से खून आना, यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर बनना, एपिडिडिमाइटिस, पेशाब की थैली में वैद, पेशाब की थैली में पथरी। कुछ महत्वपूर्ण हिदायतें: हर दिन 5 से 6 बार सीआईसी करें। हर बार जब तक पेशाब पूरा खाली ना हो जाए तब तक कैथेटर पेशाब की थैली से ना निकालें। हर बार अपने हाथ 2 मिनट तक अच्छे से साबुन और पानी से धोएं और उसके बाद ही सीआईसी की प्रक्रिया शुरू करें। अगर आप कैथेटर दोबारा इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसकी सफाई और विसंक्रमण का विशेष ध्यान दें। बच्चों की सफाई का ध्यान रखें और प्रतिदिन नहलाएं। बच्चे को तुरंत अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं अगर बच्चे का पेशाब गंदा आ रहा हो, बच्चे को तेज बुखार या कमर में दर्द हो, बच्चा पेशाब करने में दर्द या जलन बता रहा हो, पेशाब का बार बार आना, पेशाब कम होना या पेशाब में खून आना।